और ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। चौथे चरण में आज 32 पंचायत समितियों के 897 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा मतदाता पंच और सरपंच पदों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए 4339 मतदान केंद्र भी बनाए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतदाता शाम 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वोट डाल सकते हैं। और इसके बाद मतगणना का शुरू होगा वक्त और देर रात तक सभी जगहों के परिणाम आ जाएंगे और कल उपसरपंच का चुनाव किया जाएगा। चौथे चरण में सरपंच पदों पर 4629 और पंच पदों के लिए 11373 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि 26 सरपंच और 3714 वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित किए गए। और आइए सीधा रुक करें जयपुर की ओर। दीपक गोयल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। दीपक, सुबह से मतदान शुरू हुआ है 7:30 बजे से और 5:30 बजे इसका समापन भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर अब की स्थिति की, ताजा स्थिति की बात करें, क्या कुछ हालात वहां से? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये कोथून मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं और आप मतदाता है अपनी यहाँ लोकतंत्र को मजबूती के लिए कतारों में लगा हुआ है। सुबह 7:30 बजे से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। महिला मतदाता हो चाहे पुरुष हो या फर्स्ट टाइम वोटर से लेके शतायु पार कर चुका वोटर हो, हर कोई इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है, या कह सकते हैं इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। राजस्थान के अंदर 897 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव हो रहा है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा मतदाता आज भाग्य विधाता का काम कर रहे हैं, यानी कि सरपंच जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला आज करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि शाम कभी अब 1.5 घंटे का समय शेष है, जो मतदान समाप्ति का समय है, और 1.5 घंटे तक यदि मतदान केंद्र तक अंदर कोई भी मतदाता पहुंच जाता है तो वो अपना वोट कास्ट कर सकेगा। हमारे साथ एरिया मजिस्ट्रेट है मनीष फौजदार। सर, किस तरह से पोलिंग हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करानी है, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और लंबी लंबी कतारें हैं। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग कर रहे हैं सारे लोग और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और पूरे चाकसू एरिया में बहुत अच्छी तरीके से मतदान हो रहा है और लोगों में उत्साह। लंबी लंबी कतारें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी मतदान कर रहे हैं। तो कई जगह कुछ वोटर्स को टेंडर वोट को लेकर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, किस तरह से समझाइश की जा रही है? कई जगह भीड़ नजर आ रही है। जो बाहर भीड़ है उसमें पुलिस को निर्देशित कर दिया है, उनको हटाने के लिए बोल दिया है। कई जगह जो है उत्साह में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। उन सभी को पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दिया, उन लोगों की भीड़ों को वहाँ से हटाएं। 5:30 बजे बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे ही 5:30 बजे होगा, जो अपने अंदर रह जाएंगे उसमें प्रेमिसेस के अंदर जो लाइन में रहेंगे, उन सभी को एक टिकट दिया जाएगा, वो वोट कास्ट कर पाएंगे। और जैसे ही मतदान समाप्त होगा